Hi everyone, I hope you all are good and you all are safe. Welcome back to my channel, One's Thought. So, our today's video is about spoken English or speaking English. So, in this video, we'll get to know about some tricks and tips that how you can fluently speak English. So, the first one is reading newspapers. अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि रीडिंग न्यूज़ से क्या ताल्लुक है इंग्लिश का तो मैं आपको बता देती हूँ कि हर कंट्री में डिफरेंट लैंग्वेज जो उनकी होती हैं उसके हिसाब से न्यूज़ आते हैं बट हर कंट्री में इंग्लिश न्यूज़पेपर पेपर लाजमी आता है तो आपने वो एक इंग्लिश न्यूज़पेपर ले लेना है अपनी डेली रूटीन में ये चीज़ ऐड कर देनी है कि आपने वन पेज या आधा पेज तो लाजमी पढ़ना है अब रही बात कि क्यों भाई क्यों पढ़ना है और इससे क्या होगा अब मैं आपको बताती हूँ जब आप न्यूज़पेपर रीड करोगे आपको आइडिया होगा कि उसमें बहुत से ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जिसकी आपको बिल्कुल ही समझ नहीं आती आपको पूरा सेंटेंस समझ ही नहीं आता अगर उसे एक वर्ड का मीनिंग नहीं आता तो जब वो मीनिंग नहीं आता उस वर्ड को सर्च करोगे जब आप सर्च करोगे आपकी वोकेबरी इंक्रीज़ होगी जब वोबरी इंक्रीज होगी आपके साथ साथ ग्रामर भी इंक्रीज़ होगी ग्रामर आपकी करेक्ट होगी आपको समझ आएगी कि पास्ट की बात हो रही है प्रेजेंट की बात हो रही है पास्ट की बात करनी है कैसे बात करनी है फ्यूचर की बात हो रही है तो कैसे बात करनी है तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं जब आप कुछ रीड कर रहे होते हो सिर्फ न्यूज़पेपर ही नहीं बुक्स भी रीड करें स्टोरीज़ रीड करें हर चीज़ को रीड करने से आपको बहुत ज़्यादा असर पड़ता है और कोकन इंग्लिश का तो ताल्लुक ही रीडिंग्स है जिसकी रीडिंग अच्छी होती है ना वो इंग्लिश हमेशा अच्छी बोल सकता है क्योंकि जो रीड कर रहा होता है ना परफेक्टली मतलब रीड करके एक सेंटेंस को पढ़ रहा है फिर उसको सर्च कर रहा है फिर उसमें देख रहा है कि इसमें ऐसा क्यों लिखा हुआ है इसमें ये वर्ड क्यों यूज़ हुआ है तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करनी है तो जिन्होंने सीखना है ना उन्होंने अपने रूटीन में लाजमी ऐड करना है कि आपने एक या हाफ़ पेज दो न्यूज़पेपर को लाजमी रीड करना है अगर न्यूज़पेपर नहीं है टेक अ बुक एक पेज रीड करें लेकिन उस पेज को ऐसे रीड करना है कि आपको एक एक चीज़ पता हो उस पेज की नाउ द नेक्स्ट वन इज़ इंट्रैक्शन फॉर ऑल दोज जिनको नहीं पता इंट्रैक्शन क्या होता है इंट्रैक्शन होता है कन्वर्सेशन दो लोगों के दरमियान या दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान अब इंट्रैक्शन में क्यों ज़रूरी है इंग्लिश के लिए जब आप बोलते हो न तभी आप सीखते हो जब आप बोलोगे नहीं आप डरे रहोगे आप में कॉन्फिडेंस लेवल ही नहीं होगा बोलने का तो आप कैसे सीखोगे आपको समझ ही नहीं आएगी कि आपने बोलना क्या है बहुत से लोगों को पता होता है कि भाई इसकी करेक्ट ग्रामर क्या है बहुत से लोगों को वो भी आती होती है बहुत से लोगों को प्रोनांसिएशन भी सही आती होती है लेकिन वो नहीं बोल पा रहे होते क्योंकि उनमें कॉन्फिडेंस लेवल की बहुत ज़्यादा कमी होती है तो आप अपना कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ा सकते हो इंट्रैक्ट करके आपने इंट्रैक्शन करनी है लोगों से अब यहाँ पे मैंने ही खुद लिखा था कि इंट्रैक्शन इज अ मस्ट इन गेटिंग एफिशिएंट इन स्पोकन इंग्लिश क्यों मस्ट है इसीलिए मस्ट है कि जब आप बोलोगे नहीं तो आप सीखोगे कैसे स्पोकन इंग्लिश है ना तो स्पीक ही नहीं करोगे तो क्या करोगे फिर अब देखें यहाँ पे एक जो डायग्राम है इंट्रैक्शन में उसमें डिफरेंट चीज़ें दिखाई गई हैं आप फ़ोन के ज़रिए भी इंट्रैक्ट कर सकते हो आप लोगों को बात कर सकते हो आप बहन भाई हो जो भी हो आप लोग आपस में बात कर सकते हो आप मतलब एक चैलेंज दे सकते हो एक दूसरे को यार कि मैंने इस घंटे ना सिर्फ इंग्लिश बोलनी है मैंने उर्दू नहीं बोलनी जैसी मर्ज़ी बोलो बोलनी है ठीक है जब आप बोलोगे आपको तभी समझ आएगी नहीं 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 मैं ये गलत बोल रही नहीं मुझे ऐसे नहीं बोलना और अगर शर्म आ रही है किसी के दरमियान बोलने में या किसी के साथ बोलने में तो आपने मिरर के सामने जाना है और आपने ख़ुद से बोलना है अपने से बात करनी है अपने आप को समझाना है कि नहीं ऐसे नहीं ये बोलना है ये नहीं ये नहीं ये बोलना है एक पैराग्राफ रोज़ रेडी करना है ठीक है छोटा सा और उसको बोलने की कोशिश करनी है ज़ुबानी और क्या करना है कि आपने सबसे पहले जो है ना ग्रीटिंग से स्टार्ट करना है कि जब आप किसी को मिलते हो तो आप कैसे बोलोगे इंग्लिश में कैसे बात करोगे किसी के साथ कैसे बात करोगे किसी को जवाब देना है तो इंस्टेंट रिप्लाई कैसे दोगे ये सारी चीज़ें आप अपने जहन में रखोगे इंट्रैक्ट करोगे चाहे अपने साथ चाहे लोगों के साथ सो तो आपको नजर आएगा कि कितनी आपकी बेटरमेंट हो रही है इंग्लिश में अच्छा जी अब नेक्स्ट चीज़ है गेटिंग बेटर इन यूजिंग करेक्ट ग्रामर अच्छा जी अब ग्रामर में क्या होता है बहुत से लोगों को पता होता है लिखने में लिखने में सही लिखते हैं बोलते वक्त जो है ख़राब हो जाती है उनकी इंग्लिश अब वो क्यों होती है वो इसलिए होती है कि आपने ना माइंड में एक बनाया नहीं होता माइंड में आप नहीं बना होता आपके दिमाग के अंदर ये कि मैंने ये सेंटेंस बोलना है या मैंने इस सेंटेंस को एकदम से बोलना फ्लूंटली बोलना है इस सेंटेंस की फॉर्मेशन कैसी होगी क्या होगा आप ये नहीं सोचते आप डक करके बोल देते होते जो भी मुंह में आ रहा होता है तो उससे चीज़ ख़राब हो जाती है जब आपने बोलना चाहे आप जिस मर्जी लैंग्वेज में बोलो सिर्फ इंग्लिश में नहीं आपको सोच समझ के बोलना चाहिए कि आपने क्या बोलने लगे हो कैसे बोलना है किस तरीके से बोलना है जब आप ये सोचोगे ना तो आपकी खुद ब खुद ग्रामर जब करेक्ट हो जाएगी रही बात ग्रामर की मैं एक वीडियो इंशाल्लाह इस पर बनाऊँगी और मैंने एक पिछली वीडियो बनाई थी आई गेस प्रोनौंसिएशन पर तो मैं उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी नहीं देखे वो देख ले तो इसमें अब यहां पे है कि कॉमन मिस्टेक्स क्या होती है इंग्लिश में कहते हैं इट्स सेवन ट्वेंटी इट्स सेवन ट्वेंटी ओ क्लॉक वुड यू माइंड मेलिंग दिस लेटर फॉर मी वुड यू माइंड पोस्टिंग दिस लेटर फॉर मी इट्स नियरली सेवन नाउ इट्स अबाउट सेवन नाओ इट्स अबाउट सेवन नाओ गलत है ठीक है आई रिकमेंड दैट यू टेक अ लॉन्ग विकेशन आई रिकमेंड यू टू टेक अ लॉन्ग विकेशन लेट्स बिगिन एट पेज टैन लेट्स बिगिन फ्रॉम पेज टेन डिड यू गो टू कॉलेज डिड यू अटेंड कॉलेज ठीक है आपने ये चीज़ें ध्यान में रखनी है इन चीज़ों को पढ़ना है अच्छे तरीके से ये चीज़ें क्या होती हैं और ये वाली जो है ना ये तो बात की बातें हैं पहले तो आपको जो है ना बोलना आना चाहिए चाहे जैसी मर्जी बोलो बोलो इंट्रैक्ट तो कर पाओ मतलब ये शर्मिंदगी ना हो कि कोई आपसे कुछ पूछ रहा हो आगे से मुंह देख रहे हो उसका अच्छा जी इसमें नेक्स्ट चीज़ अभी जो मैंने बोला है एटलीस्ट ट्राई टू स्पीक बोलोगी नहीं तो सीखोगे कैसे अब यहाँ पे लिखा हुआ है डू नॉट बी अफ्रेड टू मेक मिस्टेक्स लर्न एंड मूव ऑन अब बहुत से लोग पता क्या करते हैं उनको ये शर्मिंदगी होती है उनको ये शर्मिंदगी मंजूर है कि भाई हम जवाब नहीं देंगे लेकिन ये शर्मिंदगी मंजूर नहीं है कि वो मिस्टेक करेंगे बोलते हुए मिस्टेक करना बहुत अच्छी चीज़ है जब आप उन मिस्टेक से सीख रहे हो लेकिन अगर आप वो मिस्टेक्स बार बार किए जा रहे हो मिस्टेक को ठीक नहीं कर रहे हो तो वो गलत बात है अब आप मिस्टेक्स कर रहे हो बोलते हुए कई बार ऐसे होते हैं बहुत फ्लूंट इंग्लिश स्पीकर्स होते हैं जिनके मुंह से गलत चीज़ें निकल जाती हैं इंसान है गलती हो सकती है टंग स्लिप कर जाती है कभी कुछ भी हो सकता है अब क्या होता है कि कॉन्फिडेंस की लेवल मतलब आपका इतना लो होता है इतना कॉन्फिडेंस लेवल लो होता है कि इंसान बोलता ही नहीं आगे से मुंह देख रहा होता है कि मैं बोलूँ या नहीं हालांकि आ रहा होता है जहन में घूम रहा होता है कि भाई मैंने ये बोलना है लेकिन नहीं बोलता अब उन लोगों के लिए यही चीज़ है कि आपने अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना है अब कैसे बढ़ाओगे आप आप जाओगे शीशे के सामने और अपने से इंट्रैक्ट करोगे आपने डेली लाइफ में एक सिचुएशन क्रिएट करनी है ठीक है उस सिचुएशन में आपने क्या करना है अपने आप को रखना है और उस सिचुएशन में आप कैसे बात कर सकते हो किसी की आपने ख़ुद से बात करनी है आप देखना कि आहिस्ता आहिस्ता करते करते आपकी इंग्लिश बहुत बेटर हो जाएगी जो ये वीडियो देख रहे हैं अगर वो ये चीज़ें करेंगे तब भी ठीक होगा मतलब ये नहीं आएंगे कि या है नहीं तो हाँ हो नहीं रहा है बस ऐसे नहीं होता मुझसे नहीं होता जो लोग गिव अप करते हैं वैसे ही सीख नहीं सकते तो आप लोगों ने लाजमी ट्राई करना है और मिस्टेक्स होगी तो क्या है मिस्टेक्स एक दफ़ा होंगी दो दफ़ा होंगी तीन दफ़ा होंगी चार दफ़ा होंगी पांच दफ़ा होंगी पांचवी दफ़ा के बाद तो इंसान कुछ ना कुछ तो सीख ही जाएगा कि नहीं मैंने ऐसे नहीं ऐसे करना उसके बाद भी मिस्टेक होगी तो होती रहे क्या हो गया अच्छा जी अब नेक्स्ट है रीटेल अ स्टोरी इन इंग्लिश आपकी जो भी लैंग्वेज है उर्दू है चाइनीज है फ्रेंच है जो भी है अगर आपने इंग्लिश सीखनी है आप जो चीज़ अपनी लैंग्वेज में बोल रहे हो फॉर एग्ज़ाम्पल उर्दू में जो चीज़ बोल रहे हो आपने उसको लाजमी ट्राई करना है ठीक है ये नहीं कि डेली करने कुछ भी करो जब भी दिल करे आपने ट्राई करना है कि जो मैंने अभी उर्दू में बोला ना मैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करती हूँ अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करूँगी तो कैसे करूँगी ठीक है तो जब आप ये ट्राई करोगे तो ख़ुद ब खुद आपकी चीज़ें बेटर होंगी एक दफ़ा गलत दो दफ़ा गलत लेकिन एक पॉइंट आएगा कि आपको आ जाएगा बोलना अब क्या करना आपने कि आप डेली लाइफ में वैसे ही कन्वर्सेशन हो रही है मम्मा के साथ हो रही है बहनों भाइयों के साथ लड़ाई हो रही है बहस हो रही है कुछ भी हो रहा है आपने जाना है उसके वर्ड्स को सर्च करना है वो वर्ड्स लिखने हैं वर्ड बैंक बनाना है अपना जिनका वर्ड बैंक होता है ना उनको बहुत आसानी होती है वर्ड बैंक बनाना है फिर आपने वर्ड्स फ़िक्स करने की कोशिश करनी है किस सेंटेंस में ये वर्ड सूट कर रहा है नहीं कर रहा आपने सर्च करना है कि क्या ये सेंटेंस मेरा एक्यूरेट है नहीं है क्या मेरी ग्रामर बिल्कुल ठीक है या नहीं है वो सर्च करने के बाद आपने वो स्टोरी सुनानी है खुद से ठीक है बोलनी है लिखनी नहीं है लिखने में मतलब बहुत से लोग सही होते हैं लिख लेते हैं बोल नहीं पाते तो आपने वो सही तरीके से लिखना है फिर उसको याद करना है और बोलना है बोलना मस्ट है लिखें ना लिखें बोलना मस्ट है आपने उसको बोलना है और किसी को सुनानी है कि भाई मैंने ये जो चीज़ बोली थी ना इसको मैं ऐसे ट्रांसलेट कर रही हूँ या फिर ना भी किसी को सुनाए अपने आप को सुनाए तो आपको नज़र आएगा कि आपको कैसे कैसे न्यू वर्ड्स आ रहे हैं ठीक है इसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट बहुत से पॉइंट्स हैं लेकिन एक वीडियो में ऑफकोर्स कवर नहीं हो सकते सो चल ट्राई मैं बेस्ट कि एक और वीडियोज़ की बनाऊँ और जब तक नहीं समझ आती किसी को वीडियोज बनाती रहूँ लेकिन यहाँ पे इस वाले पार्ट का लास्ट यही है प्रैक्टिस 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 जब आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको नहीं आएगा जो लोग बैठे रहते हैं ना कि नहीं हो रहा नहीं हो रहा सच में नहीं होता आप ट्राई नहीं करोगे तो कैसे नहीं होगा उल्टा बोला मैंने है ना आप ट्राई नहीं करोगे तो कैसे होगा तो आपने ट्राई लाजमी करना है प्रैक्टिस लाजमी करनी है प्रैक्टिस उसी चीज़ की होती है जब आपको कोई चीज़ आ जाती है तो आपको आएगी कैसे जब आप सीखोगे आप सीखोगे कैसे जब आप इंट्रैक्ट करोगे आप इंट्रैक्ट किससे करोगे नहीं करना किसी से मत करो खुद से करो जब अपने ही साथ इंसान बात करता है ना तो उसको ज़्यादा समझ आती है क्योंकि इंसान को मतलब ऑफ़कोर्स दूसरों के सामने शर्मिंदगी होती है कुछ लोग आगे से दिल भी ख़राब कर देते हैं हंस के तो इसलिए अपने खुद से बात करनी है ख़ुद को समझाना है ख़ुद से इंट्रैक्ट करना है अपनी मिस्टेक्स खुद निकालनी है अपनी मिस्टेक्स इंसान खुद बहुत अच्छे निकाल लेता है जब कोई दूसरा निकालता है ना तो वैसे ही मसला होता है तो बेहतर है लड़ाइयों से बचो अपनी मिस्टेक्स खुद निकाल के उसका करेक्ट करने की कोशिश करें एंड आई होप जो भी देख रहे हैं एक अच्छा रिस्पॉन्स आएगा एक अच्छे तरीके से कुछ लोग बोलेंगे कि हाँ हमने ये प्रैक्टिस की है वन मंथ की है टू मंथ की और हमारे साथ हुआ है सही और एटलीस्ट लाइक like, बहुत ज़्यादा नहीं ना तो टू वीक्स तो लाजमी ट्राई करेंगे इन श्ला मतलब बहुत ज़्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा और जब पड़ जाएगा ना फ़र्क तो फिर आपको ख़ुद ही दिल करेगा बस मैं करती ही रहूँ सो दैट वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आई होप आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा सो डो नॉट फिरगेट सब्सक्राइब माई चैनल अल्लाह हाफ